हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रिया क्लासेस आज के सेशन में हम एक नए यूनिट की शुरुआत करेंगे विच इज यूनिट 16 जिसका नाम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरमेंट एमसीम कॉम सेकेंड ईयर इग्नो बिफोर वी बिगिन इफ लाइक द आई एम शेयरिंग डू हिट द लाइक बटन डू शेयर योर कमेंट्स लेट मी नो यू फाइंड ऑल दिस यूजफुल फॉर योर स्टडीज ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू यूट मिस आउट ऑन वॉचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम माई वीडियोज चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो यूनिट की शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे कि इस यूनिट में हमको क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवरअप करना है हम शुरुआत करेंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से फिर हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है जिसको हम एस भी बोलते हैं वो होता क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देन वी विल स्टडी अबाउट द रैशनल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो किस हिसाब से होता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, वो एसएसआई के लिए क्या कुछ स्पेशल पॉलिसीज हैं, या किस तरीके के पॉलिसीज हैं? उनके लिए प्रोग्राम्स वगैरह क्या है कि आप एसएसआई को किस तरीके से जो है वो प्रमोट करोगे उनका ग्रोथ उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिलेटेड है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और हम ये यूनिट में इसी के बारे में पढ़ेंगे सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिसको हम एस भी बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होता है हमारे इकोनोमी में इसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसलिए है क्योंकि अगर हम जो है अपने कंट्री का जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स की बात करें तो हमारे कंट्री का एक्सपोर्ट अर्निंग का जो 50 परसेंट अर्निंग जो हमको होता है बाय वेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो सारा का सारा जो है एसएसआई से हमको मिलता है और अगर हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो वहां पे ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है 35% 35% परसेंट थर्टी परसेंट खाली कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता है एसएसआई का रहता है सो so अगर हम इंडिया का जो हमारा जो एम है ग्रोथ वगैरह का ग्रोथ डेवलपमेंट तो ये सब जो एम है अगर ये सब एम में आप देख रहे हो कि परसेंटेज वाइज जो है एसएसआई का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है तो ये जो हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो स्टोरी है चल रहा है इस कहानी में भी हमारा इस कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हो गया प्रोडक्शन वाइज प्लस हम यहाँ पे अर्निंग्स की बात भी कर रहे हैं अर्निंग वाइज यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट भी जो है गवर्नमेंट भी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है एसएसआई यूनिट्स के लिए काफी कुछ मदद कर रही है इनके लिए जो है काफी सारे स्पेशल जो है स्कीम्स वगैरह भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ही काफी ज्यादा है स्कीम के साथ साथ जो है अगर हम फाइव ईयर प्लान्स की बात करें तो फाइव ईयर प्लान्स में भी आप देखोगे की काफी ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है इन एस एस आई यूनिट्स को दिया गया In fact, SSI है इनफैक्ट जो एस एस आई यूनिट्स हैं इसको हाई एक होता है प्रायोरिटी और दूसरा होता है हाई प्रायोरिटी देना तो एस एस आई को जो है हाई प्रायोरिटी मिला हुआ है बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी मिला हुआ है चाहे कि वो चाहे वो फाइव ईयर प्लान की अगर हम बात करें चाहे हम बात करें इंडस्ट्रियल पॉलिसी की इन सारे पॉलिसीज में जो है एस एस आई यूनिट्स को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है चलिए अब हम बात करते हैं नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो अगर हम नेचर की बात करें मोस्टली ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं इनके नाम में ये है स्मॉल स्केल सो इसका अगर हम स्केल की बात करें दे आर स्मॉल इन साइज ये जो होते हैं छोटे फर्म्स होते हैं काफ़ी ज्यादा छोटे फर्म्स हैं यानी कि इसका जो फाइनेंशियल रिसोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम रहता है सो so, इसके जो है फाइनेंशियल रिसोर्स कम रहते हैं दीज आर स्मॉल इन साइज और अगर हम ओनर की बात करें देखो बड़े बड़े कंपनीज में है जो है पूरा का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है ओके okay, ईडी रहते हैं डायरेक्टर्स रहते हैं फिर उसके नीचे और लोग रहते हैं तो ऐसे ना ये ये बहुत ये सब बहुत लार्ज स्केल के ऑर्गेनाइजेशंस की बात हम कर रहे हैं बट यहाँ पे हमारा क्योंकि टॉपिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है यहाँ पे अगर हम ओनरशिप की बात करें तो यूजुअली इसका ओनर ना एक बंदा ही रहता है कभी कभार जो एंटरप्रेन्योर होता है कोई जैसे एंटरप्रेन्योर है वो बंदा ही इसका ओनर होता है अगर सीईओ की बात करे यही इसका सीईओ है मैनेजर की बात करे तो मैनेज करने वाला भी यही बंदा है तो यूजुअली यही एक ही बंदा रहता है इसका ओनर और ये जो है पार्टनरशिप में किसी और के साथ भी इसको चला सकता है तो यूजुअली एक या दो ओनर्स ही इसमें रहते हैं और अगर हम बात करें कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है तो जो आपको जो कॉपरेट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे उतना नहीं मिलेगा एंड मोस्टली ये जो है जो प्राइवेट कंपनीज जैसे चलती हैं उस तरीके से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा उसका जो कैरेक्टर है सो so अगर हम पर्सनल कैरेक्टर की बात करें ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो मैनेजमेंट है देखो सेम ही बंदा है एक ही बंदा चला रहा है या फिर लिमिटेड कुछ लोग ही चला रहे तो इससे जो है उसका जो पर्सनल कैरेक्टर जो ओदर का है वो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट में प्लस आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल में स्ट्रक्चर में आपको वो सब देखने को मिलेगा अगर हम जो है बात करेंगे कि कितने लोग लगते हैं तो काम करने के लिए तो जो वर्कर्स की संख्या है ना वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मिलेगा यानी कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं ये ना लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होते हैं और ये मोस्टली अगर आप देखोगे दूर दराज एरिया में भी आपको ये एस मिल जाएंगे आपको जो ये जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हर जगह नहीं मिलते वो आपको मेनली मेट्रो में मिलते हैं मेट्रो जो स्टेट्स वगैरह होते हैं मेट्रो सिटी होता है वहां पे आपको ये मेन मेन मिलता है बट अगर आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करें ये आपको वो जो दूर दराज के एरिया में होता है जहां पे कोई जाता भी नहीं है वहां पे आपको छोटे छोटे जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देखने को मिलेगा तो रिमोट रूरल एरियाज में जो है इसका प्रेजेंस आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का आपको देखने को मिलेगा एंड इससे फायदा क्या होता है इससे देखो देखो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन तो जो है वो मेट्रो वगैरह में ही चलते हैं और उस मेट्रो का डेवलपमेंट होता है है ना ऑब्वियसली देखो स्टेट का डेवलपमेंट तो होगा जिस स्टेट में जा, जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज है उस स्टेट का देखो आप डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होगा बट यहां पे रूरल एरियाज में देखो कोई मल्टीनेशनल जाता तो है नहीं कोई एप्पल या फिर कोई बहुत बड़ा कंपनी जो है वो जाके कोई गांव में जो है अपना फैक्ट्री नहीं खोलता है जो बहुत ही रिमोट गांव में तो क्योंकि यहाँ पे एस यूनिट्स उस एरियाज में वेंचर आउट करते हैं उस एरिया में जाते हैं तो इसलिए होता क्या है उस एरिया का भी जो है डेवलपमेंट होता है तो क्योंकि काफी बार जो है डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट पैकेजेस वगैरह भी देती है उसमें कभी कभार जो है दूर दरा के एरिया में वहां तक नहीं पहुंच पाता तो उन एरियाज का जो डेवलपमेंट भी जो है इन लोगों के एस यूनिट्स के कारण जो है एस एस इंडस्ट्रीज जो है इसके कारण उसका भी हो जाता है डेवलपमेंट तो एक तरीके से बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो है हम बोल सकते हैं कि बैलेंसड रीजनल डेवलपमेंट जो है इनका होता है और अगर हम फंडिंग वगैरह की बात करें यूजुअली देखो एक ही ओनर है अब जैसे मैं हूं हाँ अगर मेरी कंपनी है मेरा एक छोटा सा यूनिट है छोटा सा मैं एंटरप्रेन्योर हूँ मैंने एक छोटा सा अपना दुकान खोल के रखा हुआ है दुकान ही छोटा सा फैक्ट्री मैंने लगा के रखा हुआ उसमें मशीन लगा रखे हैं लेबर इंटेंसिव मैं बोल रही हूँ तो लेबर इंटेंसिव के लिए बहुत सारे मेरे पास जो है लोकल लोकल छोटे 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 वर्कर्स है बहुत सारे लेबर्स है या फिर कारपेंटर हो गया कोई भी हो गया ऐसे छोटे छोटे वर्कर्स मेरे पास बहुत ज्यादा है उनका नंबर ज्यादा है और अगर फंडिंग की बात करें इसमें जो है मोस्टली मेरा ही पैसा लगा हुआ है क्योंकि और कोई तो है नहीं मुझे हेल्प करने के लिए मेरा ही पैसा लगा हुआ है मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं बैंक से जाके छोटा सा लोन लेके वही वो, वो लोन से मैं काम चला रही हूँ तो इस तरीके का इसका फंडिंग पैटर्न रहता है इनके पास बहुत ज्यादा कहीं से बाहर से कहीं फंड वंड आता नहीं है यूजली यूजअली हम बात कर रहे हैं ओके okay, ऐसा नहीं है कि ये लोग लोन वगैरह उठाते हैं वो अलग बात है बट वैसे अगर हम फंडिंग वगैरह की बात करें यूजुअली ये जो है हम एक दूसरे से लोन वगैरह लेके लोन लेके या फिर जो अपने दोस्त वगैरह से पैसे वगैरह लेके उस तरीके से जो है इनका जो है फंडिंग होता है और मोस्टली इनके जो इंटरप्रेन्योरस होते हैं ना आप देखोगे की कुछ कुछ जगहों में जो कुछ छोटे छोटे फैक्ट्रीज वगैरह चला रहे होते हैं ना उसके ओनर्स एक्चुअली खाली बारहवीं पास वगैरह ही होते हैं बट उनमें वो जो एंटरप्रेन्योरल स्किल है ना देखो वो स्किल जरूरी नहीं है कि आप एमबीए करो तभी आपके पास वो स्किल आएगा या आप एमकॉम करो उसके उसके बाद ही आपके पास स्किल ऐसा कुछ नहीं है कुछ चीजें ना इन बिल्ड भी होती है तो वो लोगों के पास भी क्योंकि उनके पास पैशन था उनके पास जुनून था उसको उनको, उनको खुद का कुछ करना था तो उन लोगों ने जो है अपना आउटलेट जो है उनका अपना फैक्ट्री जो है खोल के रखा हुआ है तो अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बात करें तो उन लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सारे ही बारहवीं पास होते हैं या दसवीं पास होते हैं ऐसा नहीं कह रही मैं बट मोस्टली आप देखोगे थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन लोगों का हल्का सा जो है वो कम रहता है और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि भाई क्या वो टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही बहान लेटेस्ट यूज करता है नहीं ऐसा नहीं है वो जो है पुरानी टेक्नोलॉजी आपको यूज करेंगे ज्यादा आपको सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो है यहां पे देखने को आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा सो ये हमने अभी नेचर की बात कर ली अब अगर हम सेकेंड पार्ट पे जाए डेफिनेशन की अब देखो देखो डेफिनेशन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का वो वेरी करता है क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर कंट्री में अलग होता है देखो चाइना का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अलग होगा जापान का अलग होगा यूरोप का अलग होगा इंडिया का बिल्कुल ही अलग है तो ये जो डेफिनेशन है ना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं जिस जो अफेक्ट करता है कि हम भाई हम कैसे जो है डिफाइन करेंगे एक स्मॉल स्केल यूनिट को तो अगर हम जो है बात करें कि हम किस तरीके से उसको डिफाइन करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जैसे कि एक तो उसका साइज उसका लोकेशन ओके okay, उसका फंडिंग कितना है नंबर ऑफ पीपल नंबर ऑफ पीपल जो वहाँ पे जो है एम्प्लॉइड है इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया कितना राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने किया कितना पैसा आपने जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया फिर प्रोडक्शन आपका प्रोडक्शन कितना है टर्न ओवर टर्न ओवर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ओके टर्न ओवर आपका लोकेशन तो मैंने बोल दिया टेक्नोलॉजी सो so, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से जो है आपके कंट्री के या आपके इकोनोमी में जो भी जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो कितने हिसाब से वो अब जैसे कुछ कंट्रीज है कुछ कंट्रीज ने बोल दिया कि भाई हम जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखेंगे कि कितने लोग एम्प्लॉयड है उस हिसाब से हम बोलेंगे कि तुम्हारा स्मॉल स्केल यूनिट है या फिर तुम्हारा नहीं है किस तरीके से अगर हम जैसे यूएसए यूके को देखें यूएसए के इन कंट्रीज में जो है एम्प्लॉयमेंट क्राइटीरिया रहता है उसके हिसाब से वो डिफाइन करते हैं कि जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सा है और हमारा मिड या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो कौन सा है अगर हम बात करें आ, इंडोनेशिया या मलेशिया की तो वहां पे जो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी को देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट पैटर्न के हिसाब से जो है वो देखते हैं कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सा है सिमिलरली जो है चाइना चाइना में जो है टर्नओवर देखा जाता है कि आपका टर्न कितना है उसके बेसिस पे वो डिस्टिंग्विश करते हैं कि स्मॉल स्केल कौन सा है और लार्ज स्केल यूनिट जो है कौन सा है अभी क्योंकि हम इंडिया में है तो हमें इंडिया में देखना पड़ेगा कि इंडिया में किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं तो अगर हम इंडिया की बात करें ना इंडिया जो है दोनों चीजें देखती है एक तो वो देखती है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है ओके लेबर एम्प्लॉयमेंट और कितना पैसा लगा हुआ है सो so, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉड लोग कितने हैं और फिर इन्वेस्टमेंट ये दोनों चीजों से जो ये जो दोनों चीजों को बेस रख के जो है इंडिया डिसाइड करती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सा है और लार्ज स्केल इंडस्ट्री कौन सा है सो so, यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज लेबर एम्प्लॉयमेंट को जो है देखता है जब वो जब उसको बोला जाता है कि आप डिफाइन करो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो है क्या एंड ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन का भी काफी सालों से जो है इवोल्यूशन जो है वो चलता चला जा रहा है क्योंकि देखो स्टार्टिंग के टाइम में जो है आपके पास कम कैपिटल रहता था तो उस टाइम में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कम कैपिटल होगा ऑब्वियसली फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो वो जो कैपिटल है कैपिटल का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा तो ऑब्वियसली आपको एवोल्यूशन जो है यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा यहाँ पे दो कैटेगरी आपको देखो यहाँ पे एक टेबल है सिक्सटीन पॉइंट वन आपके बुक्स में दे रखा है पेज नंबर सेवेंटी सेवन पे एंड इस टेबल में साफ साफ बता रखा है कि एवोल्यूशन जो है वो डेफिनेशन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं उसका एवोल्यूशन भी जो है किस हिसाब से हुआ हम जो है डेटा देखते हैं 1960 देखो हमेशा हमने डेटा जो है जो मोस्टली आप हमेशा नहीं मोस्टली आप ये आपका जो ये जो सिलेबस है उसमें मोस्टली हम ये 50 इयर्स का डेटा पे ही मोस्टली फोकस हो रहा है तो यह चीज आप ध्यान रखना कि कोई भी टेबल होगा तो इसी अराउंड इसी एरा का डेटा जो है हमको देखना है तो प्रायर टू नाइनटीन सिक्सटी देखो पहले हम कैटेगरी देख लेते हैं दो कैटेगरी है पहले इन्वेस्टमेंट कैटेगरी सेकंड इज योर एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी सो दिस इज योर फर्स्ट कैटेगरी दिस इज योर सेकंड कैटेगरी और अगर हम बात करते हैं एक तो हो गया आपका स्मॉल स्केल यूनिट और एक बात आ गई आपकी एंसिलरी यूनिट की तो यहाँ पे हम पहले इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को ही देखेंगे प्रायर टू नाइनटीन 1960 से पहले जो था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो यूनिट माने जाते थे जिनका इन्वेस्टमेंट जो था जहाँ पे इन्वेस्टमेंट पांच लाख रुपए तक का था एंसिलरी के लिए कुछ नहीं था इसको हम इग्नोर मार देते हैं सो so, यहाँ पे पांच लाख तक का अगर आपका फिक्स्ड कैपिटल रहा प्लस अगर आपका एम्प्लॉयमेंट अप टू फिफ्टी वर्कर्स है पर शिफ्ट इफ यूजिंग पावर पावर यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज कर रहे हो एंड इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है उस कामों में पावर यूज होता है उन कामों में और आपने फिफ्टी लोगों से एक शिफ्ट में पचास लोगों को पचास एम्प्लॉज को आपने रखा हुआ है तो यू विल बी कॉल्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और अगर जो है आप पावर नहीं यूज कर रहे हो और आप सेकेंड तो आप सौ वर्कर को यूज कर रहे हो पर शिफ्ट देन यू विल बी कॉल्ड एज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सो अगेन यहाँ पे दो कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी एंड 1960 से पहले पाँच लाख का कैटेगरी था और ये पचास और सौ एम्प्लॉयज़ का हिसाब था 1960 की अगर हम बात करें तो 1960 में जो है ग्रॉस वैल्यू पच पाँच लाख तक होना चाहिए था देखो 1960 से पहले ना फिक्स्ड कैपिटल की बात थी और अब जो है 1960 में ग्रॉस वैल्यू को हम देखते हैं अप टू फाइव लाख तो दैट इज योर स्मॉल स्केल यूनिट प्लस प्लस आपको क्या चाहिए एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी को यहाँ पे 1960 के दौरान ड्रॉप कर दिया यानी कि 1960 के दौरान खाली आपको एक कैटेगरी चाहिए था टू बी कॉल्ड एज अ स्मॉल स्केल यूनिट एंड दैट कैटेगरी वॉज कि आपका जो ग्रॉस वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट है इट शुड बी अपू रूपीज फाइव लाख इसके अलावा अगर हम बोल रहे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंड प्लांट एंड ओ यहां पे सॉरी एंसिलरी हम छूट गया एंसिलरी में जो ग्रॉस वैल्यू है वो टेन लाख का है ओके सो तो अगर पांच लाख तक का है यू आर स्मॉल स्केल यूनिट अगर टेन लाख का है अप टू तो टेन लाख रूपीज है ग्रॉस वैल्यू तो यू आर एन एंसिलरी यूनिट नाइनटीन की बात करते हैं यहाँ पे जो अमाउंट है बढ़ गया टू सेवन लाख एंसिलरी के लिए टेन लाख हो गया अगर हम 75 की बात करें तो आ, स्मॉल स्केल के लिए टेन लाख हो गया 1977 में अगेन अप टू टेन लाख है फर्दर जो है ये देखो अमाउंट जो बढ़ता ही जा रहा है 80s में आके 20 लाख हो गया 85 में 35 लाख 1990 नाइनटी की अगर हम बात करें तो वो 60 लाख तक पहुंच गए यहाँ पे 1990 में बहुत ज्यादा जो है बढ़ गया था 1997 नाइन्टी तीन करोड़ यहाँ पे अब करोड़ों के फिगर आने लग गए ओके 1997 में तीन करोड़ जो है एंड नाइनटीन नाइन्टी नाइन में अप टू वन करोड़ तो ये डेफिनेशन जो है डेफिनेशन का वो जो एवोल्यूशन है एवोल्यूशन आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस हिसाब से जो है हमारा ये जो दो कैटेगरी है उस जो कि है हमारा इन्वेस्टमेंट कैटगरी एंड जो हमारा सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी आपका इन कैटगरी के कारण किस तरीके से हमारा जो है डेफिनेशन जो है वो चेंज होता चला जा रहा है तो so, हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री देख ही लिया कि वो होता क्या है इट रेफर्स टू एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो है या फिर ओनरशिप वगैरह इट डज नॉट एक्सीड रुपीज कितना करोड़ एक करोड़ ओके okay? तो so, ये हमने डेटा यहाँ पे देख लिया हमने साथ साथ जो है एंसिलरी इंडस्ट्री भी देख लिया ये मोस्टली जो है

वन करोड़ का जो है वो रखा गया है इसके अलावा जो है एक और टर्म आता है दैट टर्म इज कॉल्ड टाइनी एंटरप्राइजेस तो यहाँ पे टाइनी एंटरप्राइजेस आता है टाइनी एंटरप्राइजेस जो है ऐसे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी जो होता है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए सो so अगर 25 लाख है तो वो क्या है अगर 25 लाख है यहाँ पे एक जीरो कम है सो so अगर ट्वेंटी फाइव लाख है तो क्या होगा इट विल बी कॉल्ड एज अ टाइनी एंटरप्राइजेस यहाँ पे जो है इट इज ए रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन तो लोकेशन के हिसाब से जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है लोकेशन तो के हिसाब से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पे जो है हमने जो है नेचर एंड डेफिनेशन देख लिया एक इंट्रोडक्शन हमने शॉर्ट देख लिया कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो होते क्या है सो दैट्स इट फॉर द सेशन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियस क्लासेस थैंक यू एंड बाय बाय